गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक हमारा परसेंटेज है। परसेंटेज का सिंबल यहीं पे आप लर्न कर लें, एक टेढ़ी आपकी रेखा और एक जीरो, यहाँ पे जीरो ये परसेंटेज का सिंबल है। ऊपर हमने फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन आप कर चुके होंगे, पार्ट ऑफ होल, कोई एक पूरी चीज है उसका कोई ना कोई भाग। जैसे हमारे पास ये कोई किसी भी चीज को मान ले, एप्पल मान ले, पोटेटो मान ले, और आधा पार्ट आपने ले लिया और आधा या खाली रह गया, तो इसको हम एज ए फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2 या 1/2। 2 जो पार्ट है उसका 1 आपके पास है। इसी प्रकार घर में कोई चीज आई, उसके 2 पार्ट आपको दिए, एक रह गया, तब हम बोलेंगे 2/3 या 2/3। 2 आपके पास है, 3 में से 2 आपके पास आ गए, ये फ्रैक्शन है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। आज हम चर्चा करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.8 परसेंटेज से, अब जैसे हमारे देश की एक मोटी सी लें कि जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है, और हम कहेंगे कि इतने करोड़ कृषि में लगे हुए हैं, इतने करोड़ शिक्षा में लगे हुए हैं, इतने करोड़ इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, इतने करोड़ मार्केट में लगे हुए हैं, इतने करोड़ मजदूर हैं, तो बहुत एक लंबी समस्या हो जाती है। अब घर में मान लो कि आपके 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर में 2 मेंबर एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ 2 बोला उसका, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई 10 से करें, 100, और आपके 2 हैं तो 10% लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब जो 130 करोड़ यानी जिसको हम 100% मान लेते हैं, कितने एग्रीकल्चर में लगे हुए, हम कहते हैं 60% के आसपास। अंडरस्टूड हो जाता है कि देश की आधी आबादी से ज़्यादा खेती बाड़ी में लगी हुई। लेट अस स्टार्ट। परसेंटेज इज ए मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर एज ए फ्रैक्शन, जैसे हमने चर्चा की, ऑफ 100, यानी कि 100 में से आपकी परसेंटेज निकलती है। द सिंबल परसेंटेज इज, जो हम ऊपर दर्शा चुके हैं। अब आपके पास एक 100 का बॉक्स है, यानी 100 कोई भी चीज है, उस 100 में देखा आपके बुक्स बने हुए, 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, आपने नोटबुक में भी बनाने हैं। इस 50 जो बॉक्सेस हैं, इस 50 बॉक्सेस को आप सेडिट कर दे, आप कलर कर दे, रंग भर दे। 50 में आपने क्या किया, कलर कर दिया, 50 बिल्कुल खाली छोड़ दे, तब हम क्या कहेंगे, इन दिस सेट 50 बॉक्सेस आउट ऑफ 100 आर सेडिट, कि इस शेप में 50 बॉक्स हमने अपनी कलर्ड पेंसिल से कलर कर दिया और 50 को खाली छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 50/100, दिस इज 50/100, और इसको हम कहेंगे कि ये जो आपका 100 बॉक्सेस की जो भी आकृति है, फिगर है, इसमें हमने कितना किया कि 50% है इज सेडिड, कितना परसेंटेज, 50% सेडिड। अब जैसे थोड़ा इजी और हो जाएगा, 50/100 में से तो 50, यानी कि कितना हमारा है कि 50% है वो सेडिड है और 50% ओपन है। नेक्स्ट में आते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द सेडिड, आगे बुक्स बने हुए बेटे आपके, कलर है सिर्फ, आपने उसमें से फाइंड आउट करना है। पोर्सन इन ईचिंग द फार्मिंग ऑल देम हैव 100 इक्वल डिवीजन, यहाँ भी 100 के वो बॉक्सेज हैं, जो भी आपका फिगर बना हुआ है, उस 100 में क्या कहा गया आपको, हाँ, उस 100 में से आपको कहा गया कि फाइंड द परसेंटेज, आपने परसेंटेज पाना है, यानी कि कितने बॉक्सेज हैं वो सेडिड है। आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी एक रो में 10 है, ये 10
तो 10 10 1 जा 10 10 2 जा 20 10 3 जा 30 10 4 जा 40 10 5 जा 50 50 50 बॉक्सेस हो गई। अब आए 51 52 53, इट मीन 53 बॉक्सेस आउट ऑफ 100 सेडेड, या जिसको आपने क्या है कलर करना है, क्या करना आपने कलर करना है, और कलर करने के बाद हम कह सकते हैं वी से क्या कहेंगे कि 53% बॉक्सेस जो है वो हमने कलर किए, तो आंसर हमारा आएगा 53% बॉक्सेस है वो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि आप अकाउंट करना फिर ये लिखना आप, तो 53% है परसेंट है वो आंसर है आपका। नेक्स्ट आते हैं, देर आर 100 इक्वल डिवीजन, ये 100 इक्वल डिवीजन बनी हुई है, बुक्स बना हुआ है, द फॉलोइंग फिगर्स सेड द इंडिकेटेड पोर्शन, सेड यानी कि आपने रंग भरना है, आपने उसको काला करना है, आपने उसमें छाया बनानी है, इंडिकेटेड जितना दे रखा है, कितना दे रखा है यानी कि इसका 25% है वो आपने इंडिकेटेड करना है, तो 25 का मतलब कि आपकी ये 10 बॉक्स है, 1 बॉक्स को आप कलर करेंगे 2 को 3 को 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये वाला ले लो 21 22 23 24 25, यानी कि इतना जो बॉक्सेज है आप इसको, क्योंकि 25% ही आपने करना है, तो इक्वल 25/100, तो आंसर इज 25% इज सेकंड, जितना कहा 25% का है, 30 का कहता तो 5 बॉक्स और कर देते, 35 का कहता तो 5 और दे जाते, 40 का कहता तो 40 कर देते, 50 का कहता तो 50 कर देते, ये दे रखा है इतना ही आपने करना है। आगे आते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन तो दे रखी है लेकिन इसको परसेंटेज में बदलना है, एग्जांपल दिया 17/20, 17/20 सॉल्यूशन क्या होता है, परसेंटेज निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, 17/20 × 100 बराबर 17 × 100 इजी ले लो 20, 0 से 0, 2 से आप 10 को डिवाइड करोगे तो 2 5 10, 17 × 5 85 आंसर आता है, तो ये आपका 85 आंसर आएगा। थोड़ा सा समझना है, इंटरेस्टिंग के साथ मनोरंजन के साथ आपने कलर करना है या कलर हुआ है उसका आंसर देना है, ये परसेंटेज है आपकी, और ये सिंबल आपने हर हाल में आंसर में लगाना है, यही चीज पूछ रहा है। ओके, थैंक यू।